हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स मार्च सेकंड वीक के। ठीक है, करंट अफेयर्स बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव, जैसे बैंकिंग, रेलवे, लोको पायलट, ग्रुप डी हो गया, एसएससी, व्यापम और जितने भी अदर एग्ज़ाम हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने मार्च फर्स्ट वीक के डाले थे और जनवरी फरवरी के डाले हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पहला पॉइंट है, देखिए इंडिया फ्रांस सिंह 14 एग्रीमेंट, इंडिया और फ्रांस ने अभी 14 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। एरिया क्या कहते हैं उसके, सिक्योरिटी, न्यूक्लियर एनर्जी, प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, आल्सो इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, एनवायरनमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एंड रेलवेज, ये उसके एरिया थे। ठीक है, जितने भी ये हैं इंपॉर्टेंट एरिया थे, 40 एग्रीमेंट किए हैं। ठीक है, और ये साइनिंग हुई है, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, एमल मार्कन, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है। ये कहाँ हुआ है डील, ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, फ्रांस प्रेसिडेंट वॉज इन इंडिया ऑन 4 डे ऑफिशियल स्टेट विजिट, फ्रांस के तरफ से इंडिया की 4 दिन की ऑफिशियल विजिट रहती, उसमें ये आए थे, तब ये डील हुई थी, आप ये याद रखिएगा। और एक और पॉइंट बता देता हूँ, अभी मार्च रिसेंटली में इंडिया और जॉर्डन के बीच भी 12 एग्रीमेंट साइन हुए थे, इसका पहले मैंने वीडियो में बताया था। ठीक है, उसके एरिया क्या कहते हैं, डिफेंस, हेल्थ, मीडिया, कल्चर और टूरिज्म। और वियतनाम के साथ भी इंडिया ने 3 एग्रीमेंट किए थे, एमओयू करा था, इकोनॉमिक ट्रेड कॉमर्स पे किया था, एक एग्रीकल्चर पे किया था और एक कॉपरेशन से रिलेटेड किया था। ठीक है, इसको आपको डीपली वीडियो में मिल जाएगा, मार्च फर्स्ट वीक वाले में, उसमें मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इंडिया बी विन देवधर ट्रॉफी 2018, इंडिया बी ने जीती है देवधर ट्रॉफी 2018। इंडिया किसको हराया, कर्नाटका को। इंडिया बी के कैप्टन थे अंकित बावने, कैप्टन ऑफ कर्नाटका थे करुण नायर और प्लेयर ऑफ द मैच थे रवि कुमार साम्राती, कर्नाटका के थे। ठीक है, एक दो पॉइंट और बना देता हूँ। देखिए देवधर ट्रॉफी जो होती है, जो देवधर थे, बी डी देवधर, ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट इनको बोला जाता है। ठीक है, और करुण नायर के बारे में बता देता हूँ, सेकंड इंडियन है वीरेंद्र सहवाग के बाद, जिन्होंने 300 बनाया था टेस्ट में, और फर्स्ट इंडियन है जिन्हें मेड इन 300 बनाया अपने टेस्ट में, फर्स्ट मैच में बनाया था 100, उसको कन्वर्ट किया था 300 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट इंडो फ्रेंच नॉलेज समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया फ्रेंच की नॉलेज समिट कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। बेसिकली ये समिट है फॉर यूनिवर्सिटी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन से, कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑस्ट्रेलिया विन 2018 सुल्तान अजलन शाह कप, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है सुल्तान अजलन शाह कप, किससे रिलेटेड है, ये हॉकी से है, किसको हराया है, डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 2-1 से, तो आप ये याद रखिएगा। और ये ऑस्ट्रेलिया का एक और रिकॉर्ड है, इसमें 10 टाइम मैक्सिमम बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संवेदना क्या होता है, द फर्स्ट मल्टीलेटरल ह्यूमेटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन एसोसिएशन विद साउथ, द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज वॉज सुपर एडेड बाई इंडियन एयरफोर्स और कंडक्टेड बाय सदर्न एयर कमांड, इन्वॉल्व रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म एयरफोर्स ऑफ श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। बेसिकली ये है क्या संवेदना, एक ये एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स की, इसके लिए ह्यूमेटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए कराई जाती है, हेड की जाती है इंडियन एयरफोर्स का, कंडक्ट कौन करता है, साउदर्न एयर कमांड। साउदर्न एयर कमांड कहाँ है, त्रिवेंद्रपुरम में, बाकी भी 7 एयर कमांड आप याद रखिएगा कहाँ कौन सी है, साउदर्न एयर कमांड है त्रिवेंद्रपुरम में। और इसमें कहाँ कहाँ की एयरफोर्स, 4 कंट्री की रहती हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की। ठीक है, आगे समझ में, मतलब इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, संवेदना किसके, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है देखिए, इंडियन फर्स्ट कोस्टल पुलिसिंग अकेडमी सेटअप इन गुजरात, अब ये कोस्टल पुलिसिंग अकेडमी, देखिए जैसे वीडियो फोटो में आपको दिख रहा होगा सी एन एन, ये बेसिकली है क्या, मैं बता देता हूँ आपको, नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग टू ट्रेन पुलिस फोर्स इन इफेक्टिवली सेफ गार्डिंग कंट्री शोर लाइन विल स्टार्ट फंक्शन फ्रॉम अप्रैल 2018। बेसिकली ये ट्रेनिंग करेगी मरीन फोर्स ऑफ स्टेट, जहाँ भी जहाँ स्टेट में सी लाइन बॉर्डर पर, वहाँ की मरीन फोर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, और ये इसका स्टार्टिंग वर्किंग हो जाएगी अप्रैल 2018 से, और ये लॉन्च किसके द्वारा की जा रही है, गुजरात फिशरीज रिसर्च, और ये लोकेट कहाँ है, कोस्टल ओखा टाउन इन देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इंडिया कोस्ट है गुजरात देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, द माइल्स 18 फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज एट सी वॉज हेल्ड एट अंडमान सी, ये माइल्स 18 क्या है, ये नेवल एक्सरसाइज है और फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कहाँ है, सी में की जा रही है, पहली बार की जा रही है। ठीक है, सी में कहाँ पे की गई है, अंडमान सी, अंडमान और निकोबार में, 10th एडिशन था वैसे इसका फर्स्ट टाइम, लेकिन सी में की जा रही है। और माइल्स 18 में 11 नेवल शिप ऑफ 8 कंट्री के रहते हैं, कौन कौन सी कंट्री हैं वो, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड, 9 इंडियन शिप वॉज हैड पार्टिसिपेटेड इन इट। देखिए फर्स्ट जो थी माइल की वो कब हुई थी, 1995 में। ठीक है, 1995 में हुई थी, उसमें 5 नेवल शिप थी।
पांच नेवल शिप थी 1995 में। तो याद रखिएगा माइल सेटिन कहाँ हुई अभी 2018 की, अंडमान सी, अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, इनको फिर से री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है नेपाल की। और नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया फ्रांस को होस्टेड फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया एंड फ्रांस ने अभी फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस सेंटर खोला, कहाँ पे हुआ है, सबमिट हुई है, फर्स्ट इंडियन सोलर अलायंस सबमिट हुई है न्यू दिल्ली में। देखिए एम क्या था इसका, टू डिलीबरेट ऑन फाइनेंस मैकेनिज्म फॉर प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी इन मेंबर कंट्री, क्राउड फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मतलब सोलर एनर्जी को इन्होंने बढ़ावा दिया है, क्राउड फंडिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये तीन एरिया कवर किए थे बेसिकली एम इसका, ये था। हुई ये कहाँ, न्यू दिल्ली में, ये आप याद रखिएगा, फ्रांस के प्रेसिडेंट एमल मार्कन। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनोग्रेटेड वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट बिल्डिंग इन पोर्ट लुइस मॉरिशस। अभी वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट बिल्डिंग कहाँ को, ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में, मॉरिशस के प्रेसिडेंट हैं एमिना गर्वे, ये भी आप याद रखिएगा। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ऐसे ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियन श्रीलंका कैबिनेट अप्रूव एमओयू बिटवीन प्रमोटिंग कॉपरेशन इन आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडिया और श्रीलंका ने अभी साइन किया है एमओयू, किस पे किया है, कॉपरेशन इन आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक। लास्ट अंदर पॉइंट है देखिए इंडिया एंड ईरान कैबिनेट अप्रूव एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। इंडिया ने ईरान ने अभी अवॉइड किया है डबल टैक्सेशन को। डबल टैक्सेशन में मतलब ट्रीटी ये बेसिकली क्या है, जितनी भी स्टिमुलेट फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी इन पर्सनल फ्रॉम इंडिया टू ईरान एंड वाइस वर्सा टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन। मतलब इंडिया से जितना भी इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी और जितनी भी इंफॉर्मेशन इंडिया से ईरान है वहाँ से यहाँ, तो उसमें टैक्सेशन को कम किया जाए, जितने भी नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट है मतलब एज पर लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड, उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज एज पर लेटेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये आप याद रखिएगा। किसके बीच में, डबल टैक्सेशन ट्रीटी इंडियन एंड ईरान, ऐसा ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, 15 मार्च है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। बेसिकली ये प्रमोट बेसिक राइट ऑफ ऑल कंज्यूमर, इस ईयर की थीम थी मेकिंग डिजिटल मार्केट प्लेस फेयरर। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके वीडियो का आपको PDF चाहिए होगा तो आप मेरे नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का है नंबर, आप उसमें कर दें, मैं उसमें डाल दूंगा। और सजेशन जो भी हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।